हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आप टाइटल देखकर समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो गाइस, हर साल हम लोग प्लान करते थे फैमिली के साथ मिलके कि अगले साल जाएंगे, तो हम लोग जा नहीं पा रहे। और एक कहावत है ना, जब तक माता का बुलावा नहीं आता तो हम लोग जा भी नहीं पाते, चाहे फिर कितना भी प्लानिंग कर लो। और ये जब हमारा जो प्लान बना वो रिसेंट ही बना, यानी एकदम से हफ्ता हुआ भी हमारा वो बना, प्लान बना और अब जा रहे। तो मेरा तो यार देखो फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि कहीं मैं वैष्णो धाम जाऊँ, एक केदारनाथ भी है, बहुत से आने होते यार अलग अलग, तो मेरा भी था। तो मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मेरे को कैसा लगा वहाँ जाके। हाँ, बहुत लोग जाके आ चुके होंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, पर मेरा फर्स्ट टाइम। दोस्तों, मैं हो चुका हूँ तैयार, अब मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को लेने, देखना वो तैयार हुई कि नहीं, तो फिर हम निकलेंगे। कौन कौन फर्स्ट टाइम जा रहा है, सच बताओ? सभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम सब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस हम आपको बताएंगे वीडियो में आगे। हम लोग आ चुके हैं मेट्रो, मेरी मम्मी, मेरे पापा और तीन चार बहन, और आगे हम लोग आ चुके हैं स्टेशन, ट्रेन का डब्बा ढूंढ रहे, यानी अपनी बोगी ढूंढ रहे हम। फेरी हमारी जम्मू कश्मीर जो भी है यही है। भैया धक्का मार दो, ट्रेन रुक गई, धक्का मारो दोनों करके, एक इस साइड और एक उस साइड। सोनिया गांधी आ जा, और इसको चढ़ाना मत, चलो इसको थोड़ा दूर रखना, बाबू जी को रख दो, बाबू जी सवाल है। हम लोग आ चुके उधमपुर स्टेशन जम्मू में, भाई बहुत मस्त मस्त नज़ारे देखे हमने, मज़ा आ गया। ओम पो, नज़ारे देख रहे हैं, हाँ नज़ारे देख रहे हैं, देख लिए अभी और देखेंगे। मोटिवेटिंग कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, नज़ारे वगैरह ना कैसे देख? तू बाहर कैसे अंदर घुस जा, अलाउड नहीं भैया।
धक्का लगा रहे ट्रेन को, लगाओ ये धक्का, लगा धक्का थोड़ा तेज दो, हाँ तेज लगा दिया धक्का, ट्रेन चल पड़ी। तो यहाँ जाना है हम लोगों को चोटी पे, बिल्कुल चढ़ते चढ़ते थे सर जी, हालत खराब हो जानी है। हम लोग आ चुके हैं कटरा, जहाँ में आना था। और भाई चढ़ाई देख लिया मैंने, बहुत ऊंची है यार, पर मजा आने वाला है क्योंकि फर्स्ट टाइम है। तो दोस्तों हमने अभी खाना खा लिया ढाबे पे और हम जा रहे टिकट बनवाने, क्योंकि वैष्णो धाम के अंदर जाने के लिए टिकट लगती है, वो मुझे अभी पता लगा नहीं हम सबको। तो हम लोग जा रहे टिकट बनवाने, फिर जाएंगे हम इधर पहाड़ पे चढ़ाई करने। दोबारा बोलिए, एक और बार बस। अगली बार आऊंगी प्लेन से आऊंगी और हेलीकॉप्टर से ही आऊंगी। अच्छा प्लेन वाले जब पैसे होंगे क्या, अगली बार आएगी तो हेलीकॉप्टर से जाएगी, हेलीकॉप्टर से। अरे असली में तो चढ़ाई में चढ़ेंगे, अभी पीछे देख रहे कितना बड़ा पहाड़ है। ज्यादा हो रहा है इधर, क्यों क्योंकि कोहरा है। तो दोस्तों हमने वो टिकट बनवा लिए जिससे हम वैष्णो मंदिर के अंदर जा सकते हैं, यानी दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप भी आएंगे तो आपको ही बनवाना पड़ेगा, और ये फ्री बनता है ये, ऐसा देखिए आपको, तो ऐसा बनवाना पड़ेगा आपको। तो हमने गाड़ी बुक करी है, हम जा रहे गाड़ी में, मिलता है आगे। माता जी का नाम लेके चुन्नी बांध ली, सब अभी डंडा ले रहे हैं क्योंकि हमारे साथ दादा जी भी है, तो वो भी जा रहे हैं, तो उनके लिए डंडा लेना पड़ा। पीछे है पहाड़ दिख रहा होगा, पीछे है धूप, और हम जाएंगे आगे। यहाँ पर अभी डंडा ले रहे हैं हम दादा जी के लिए, हमने प्रसाद ले लिया, अब हम जा रहे हैं अंदर। तो हम आ चुके हैं पहाड़ों के बीच, जहाँ मिल गए चुकी है हमें, भी चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में, बहुत ठंडा पानी है, धड़कने भी तेज है, वक्त तो है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशे अनजान है, अब क्या करें। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं, अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान हैं, अब क्या करें। आगे बढ़ाते अपनी यात्रा को, नहा लिया सबने, पीछे आ रहे हैं। तो आगे हम चल रहे हैं, आगे देखते हैं क्या देखने को मिलता है, तो देखते हैं और आपको बताते हैं और दिखाते हैं, तो मिलते हैं आगे। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो अभी हम थक गए हैं, तो पानी पीने के लिए रुके हुए सब। जूस आ जा, दादू को दे रहे हैं एप्पल जूस।
ये एप्पल जूस दिखाना। अरे अगला च्युइंगम जूस, अगला च्युइंगम एप्पल जूस दिखाओ तो। ये रहा एप्पल जूस। सफर को दोबारा कंटिन्यू करते हम आगे बढ़ रहे हैं। शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे आज। एनर्जी ड्रिंक पी लिया, एनर्जी आ गई। चल ज्यादा जोश में आ गए पापड़ स्ट्रिंग पी के, ज्यादा आगे जा रहे हैं। हम चलते चलते ऐसी जगह आए जहाँ से एक नंबर का व्यू आ रहा है। क्या व्यू है यार, जोर से बोलो। ये सुनते भी बहरे हम पागल है जो इनके मुंह लग रहे हैं। तो यार सब आराम कर रहे हैं, दोबारा बैठ चुके हैं। बहुत बढ़िया, अभी 3 किलोमीटर है हरदुकारी तक पहुंचने के लिए। मौसम भी बिगड़ रहा है, लग रहा है बारिश भी हो सकती है। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उसके ब्लॉग बनाता है ये। आ गए यार, मैं क्या कर रहा हूं। तो अब हम पहुंचने वाले अपनी मंदिर की तरफ, रानी माता के दरबार पहुंचने वाले। पर हमारी हालत भी बहुत खराब हुई, कुछ नहीं कहा हमने अभी तक। पैदल चले जा रहे, चले इसका खाना चाहिए। हमारे साथ दादाजी हमारे कितने बूढ़े हैं, उनने पूरा नीचे से ऊपर तक चला है। ऐसा होता है लोग, ये लोग पता नहीं क्या है। सबसे बेस्ट तो शुरू से चल कर आ रहे, 3 ही बार रेस्ट किया हमने, 3 से 4 बार ही किया। देख लो अभी भी इतना जोर से पैदल ही चल रहे। हमने एक बार लिखा मुझे घोड़ा चाहिए या पानी की चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं असली दर्शन। बहुत मजा आ रहा है, पहुंचने वाले हैं। बहुत ऊंचाई पर भी आ चुके हैं, लग रहा है बारिश भी होने। बहुत ऊंचाई पर हम लोग, दादू सही है ना हमारे, बिना घोड़े के आए इतनी ऊंचाई तक। बहुत थक चुका हूँ मैं, क्या सभी थक चुके हैं। फिर एक हमने खाना नहीं खाया, रूपा से चढ़ाई करे जा रहे अभी थोड़ा रुके, सब को पियेंगे। चने का बनता है, सब को पियेंगे और फिर आगे आएंगे। 1 किलोमीटर ही रह गए बस, मेरी कमर में बहुत दर्द कर रही है और पैर भी। मैं फर्स्ट टाइम आया था, सभी फर्स्ट टाइम है हमारे साथ, कितने भी सभी फर्स्ट टाइम आए, सभी। ऊंचाई देख रहे हो यार दोस्तों, कितनी ऊंचाई का चुके, चीटी जैसे घर देख रहे। हम लोग आ चुके हैं टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर ही। झूठ बोल रहा है अभी बाकी है, ये दुख का खत्म नहीं होता बे, बाकी है यार अभी हाफ पे है। अरे पीछे देख रहा है, पूरा जाना है, हो रहा है। इसे भी नहीं पता कहाँ जाना है। ये पीछे
फोन ले गया ना शाम हो चुकी है और रात होने वाली है और अभी भी हम नहीं पहुंचे हैं। हम लोग चले जा रहे हैं पर मजा भी बहुत आ रहा है। रास्ता कैसे काट के बनाए गए पहाड़ों को, वहाँ से पत्थर ना टूट के गिरे वो देखो, जाली लगाना कहा वहाँ भी बीच से पत्थर काटा हुआ, जाली लगा उस साइड और पूरे में जाली लगा रखी ताकि पत्थर ना गिरे वहाँ से। सब्जी तो ब्लॉग में आ चुका है इसी दौरान और किसी काम का नहीं, नल्ला नहीं आ रहा था इनका। मम्मी पापा सबको हमने आगे भेज दिया और हम लोग यहाँ खा रहे। क्या खा रहे? मेरी तो कोई बनाएगा नहीं, मैं ही बनाया जा रहा हूँ सब्जी। सनसेट का व्यू माइंड ब्लोइंग, एक नंबर, कोई जवाब नहीं। मैंने फोटो भी लिए और वीडियो भी लिया, तीन प्रकार की फ़ोटो और तीन प्रकार की वीडियो ली मैंने। और अभी भी सनसेट हो ही रहा है और एक दो फोटो और ले लूँ मैं जब सूरज साफ साफ दिख गया। औसम यार, यानी कुछ कह नहीं सकता, मज़ा आ रहा है। बाकी सब आ रहे पीछे ले डाले थे मुन्मुन डेली हो गई है। चल के सुबह से 12 बजे चल रहे हैं, अभी भी नहीं पहुँचे हम, चल रहे पहुँच जाएंगे माता जी के टाइम पे हम पहुँच जाएंगे। सुबह से 12 बजे से हमने चलना स्टार्ट किया था और हम 8 बजे नाले फिक्स और हम भी पहुंच जाएंगे। पीछे दिख रहा होगा, बस आ जाना है यार, 15-20 मिनट का रास्ता है, हम पहुंच गए फाइनली। पर रात हो गई, मज़ा भी आ गया सफ़र में, बहुत लंबा सफ़र था यार, बहुत मज़ा आया। हम सब पहुंच चुके हैं और अभी पूरी तरह रात भी नहीं है, पीछे दिख रहा होगा यार, मौसम तो यहाँ का है इस बार पर ठंडी लग रही बहुत, बहुत मजा आया। अभी आगे और मजा आने वाला है, हम आगे जा रहे हैं। करीब आ चुके हैं, बस थोड़ी सी बाकी, बस थोड़ी सी, बस आ गया, बाकी कहाँ है। हेलीकॉप्टर करेंगे अब हम, ये हेलीकॉप्टर